Hello everyone, today we are going to study a new topic in operating system, that is paging with segmentation. Prerequisite are paging and segmentation, basic concepts. Even aapko ye topic padhne se pehle paging aur segmentation ka basic concept pata hona chahiye, jab hi aapko ye topic acche se samajh mein aayega. To isse kai baar hum सेगमेंटेड पेजिंग के नाम से भी जानते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन और पेजिंग के नाम से भी जानते हैं. तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आर द नॉन कंटिगस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स. पेजिंग डिवाइड्स द प्रोसेस इनटू इक्वल साइज पार्टीशन कॉल्ड पेजेस एंड सेगमेंटेशन डिवाइड द प्रोसेस इनटू अनइक्वल साइज पार्टीशंस कॉल्ड एज सेगमेंट. So basically segmented paging is a scheme that implements a combination of segmentation and paging, right? So actually यहाँ working कैसे होती है, यहाँ पर जो हमारा CPU होता है वो three parts में divide होता है. हमें पता है कि हमें main memory पर अगर काम करना है तो हमें इस logical address को physical address में convert करना होता है, और जो हमारा CPU होता है वो तो हमेशा logical address ही generate करता है. तो अगर हम सेगमेंटेड पेजिंग की बात करें तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस में तीन कॉम्बिनेशंस होते हैं, दैट इज़ सेगमेंट नंबर, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट. इसे हम लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कि क्या होगा, फ्रेम नंबर होगा और पेज ऑफसेट इंक्लूडेड होगा. तो एक्चुअली ये आप डायग्राम देख सकते हैं ये रिकॉल करने के लिए कि हम पेजिंग में किस तरीके से लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते थे, राइट? ऐसे आप ये डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हम ये इंक्लूड करेंगे कि हम लॉजिकल एड्रेस को सेगमेंटेशन में विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस सेगमेंटेबल किस तरीके से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं. नाउ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक्चुअली है ट्रांसलेटिंग लॉजिकल एड्रेस इंटू फिजिकल एड्रेस. मतलब अब सेगमेंटेड पेजिंग में भी हमारा जो सीपीयू होगा वो तो हमें लॉजिकल एड्रेस ही देगा, और इस लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होगी क्योंकि हम मेन मेमोरी पे काम कर रहे होंगे, राइट? तो इस कंसेप्ट में हम पेज टेबल और सेगमेंट टेबल दोनों एक्सेस करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग of segmented paging. In this, process is first divided into segments and then each segment is divided into pages. These pages are then stored in the frame of main memory. देखिए आप ये डायग्राम कंसिडर कर सकते हैं ये समझने के लिए. इसमें हमने पहले जो है उस प्रोसेस को सेगमेंट के फॉर्म में डिवाइड किया हुआ, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. अब इन हर एक सेगमेंट्स को अलग अलग पेजेस में डिवाइड किया हुआ है, राइट? अब इन अलग अलग पेजेस को एक सेगमेंट के अलग अलग पेजेस को हमने अलग अलग जगह स्टोर किया हुआ है, राइट? ये देखिए, मतलब इस सेगमेंट का पेज वन यहाँ स्टोर्ड है, पेज टू यहाँ स्टोर्ड है, पेज थ्री मतलब पेज टू यहाँ स्टोर्ड है, पेज थ्री यहाँ स्टोर्ड है और पेज फोर यहाँ स्टोर्ड है. तो इस तरीके से हम सेगमेंट्स को फिक्स साइज पार्टीशंस में फर्दर डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसे अलग अलग जगह स्टोर कर देते हैं. सो अ पेज टेबल कंसिस्ट फॉर ईच सेगमेंट that keep track of frames storing the page of the segment. Now each page table occupies one frame in the main memory and the number of entries in the page table of a segment equals to number of pages that segment is divided. A segment table exists that keeps track of the frame storing the page table of segment. Here the number of entries in the segment table of a process will be equal to number of segments that process is divided, right? The base address of the segment table is stored in the segment table base register. तो अगर ये बातें आपको easily समझ में आ गई हैं तो we can easily understood के किस तरीके से logical address हमारा physical address में convert होता है.
यहाँ पर देखिए सीपीयू ऑलवेज जनरेट अ लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस दैट मेन मेमोरी राइट. तो हमारा जो सीपीयू होता है वो पहले तो उसने उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें जो कि सेगमेंट नंबर जो होता है वो स्पेसिफाई करता है आपका एक स्पेसिफिक सेगमेंट जिसको कि सीपीयू रीड करना चाहता है जो डेटा आपका. नौ जो पेज नंबर होता है वो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा जो आप स्पेसिफिक पेज है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का वो आप एक्सेस करना चाहते हैं. और जो पेज ऑफसेट है वो आपको ये बताता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन सा स्पेसिफिक वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं. नाउ आप देखिए इसमें कैसे काम होता है. कंसिडर दिस डायग्राम राइट. यहाँ पर जो आपके पास सीपीयू है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसमें कि आपके पास सेगमेंट नंबर है, पेज नंबर है और ऑफसेट है. तो सबसे पहले आप जो है ये सेगमेंट आप सेगमेंट टेबल में सर्च करते हैं, है ना. इस सेगमेंट टेबल में आपके पास लिमिट होता है, बेस होता है. आपने ऑलरेडी सेगमेंटेशन में ये कंसेप्ट देखा होगा. यहाँ पर पहले तो उस सेगमेंट की लिमिट चेक होती है राइट. इससे पहले हमने सेगमेंटेशन में भी सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं. तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो सेगमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ जो लिमिट दी है उसके लिमिट से जो है आपका ये पेज कंपेयर होता है. इट शुड बी लेस राइट. अगर ऐसा नहीं है तो वो एरर देगा, मतलब ट्रैप में फंस जाएगा. और अगर ऐसा है मतलब आपने जो लिमिट स्पेसिफाई किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है अगर वो उस लिमिट से ये पेज आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जाएंगे और उसके लिमिट से इसको चेक करेंगे पेज नंबर को, तो अगर वो लेस मिलता है आपको तो आप उस पेज नंबर मतलब उस सेगमेंट के उस पेज टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर उस पेज पर जाएंगे तो आपको उसका फ्रेम बेस एड्रेस मिलेगा. मतलब वो पेज कहाँ स्टोर्ड है उसका बेस एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा. इसको आप इंक्लूड कर लेंगे एज अ फ्रेम नंबर. और जो ऑफसेट है वो तो आप इंक्लूड करेंगे क्योंकि उस पेज का आप वो ऑफसेट एक्सेस करना चाहते हैं. तो ये आपको फिज़िकल एड्रेस मिल जाएगा और इस फिज़िकल एड्रेस के थ्रू आप उस पर्टिकुलर फ्रेम पे पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर फ्रेम के उस ऑफसेट को एक्सेस कर पाएंगे. सो दिस इज़ ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिज़िकल एड्रेस ऑफ सेगमेंटेड पेजिंग. Now here we will discuss about the advantages of segmented paging. In this, segment table contains only one entry corresponding to each segment and it reduces memory uses. The size of page table is limited by the segment size and it solves the problem of external fragmentation. तो बेसिकली जो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है. आपने इससे पहले सेगमेंटेशन में देखा था कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सेगमेंटेशन स्कीम जो है वो सफ़र होती थी क्योंकि आप एक सेगमेंट को एक कंटिग्यूस मतलब एक सेगमेंट को तो एक ही जगह स्टोर करेंगे, भले आप अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग जगह स्टोर करते रहिए. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे सेगमेंटेशन सेगमेंट्स के अलग अलग पार्टीशन किए. अब इन अलग अलग पार्टीशंस को तो आप अलग अलग जगह जहाँ भी आपको होल या जो है कि फ्री मेमोरी मिली है वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं राइट. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सेगमेंट सेगमेंटेड पेजिंग. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिसएडवांटेज देन द डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेड पेजिंग आर segmented paging suffer from internal fragmentation. yes of course it will suffer from internal fragmentation क्योंकि यहाँ पे जो हमारा segment है उसके हमने fixed size partition कर दिए हैं. और जब भी हम fixed size partition की करें तो बात करें तो हमने देखा है कि अगर ऐसा कोई page हमारे पास आता है जो half मतलब अगर हम उसको किसी fixed size partition में रखते हैं किसी page को तो partition का size अगर उस page के size से ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका जो इंटरनल
स्पेस जो आपके पास बच रहा है वो तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को अकर करेगा. तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सॉरी सेगमेंटेड पेजिंग. नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इज़ मच हायर एज़ कम्पेयर टू पेजिंग. यस ऑफ कोर्स, अब इसमें हम इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो हायर तो है ही अगर हम इसको पेजिंग से कंपेयर करें तो. तो एडवांटेज की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफ़र नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है. लेकिन अगेन अगर हमने यहाँ पे फिक्स साइज पार्टीशनिंग कर दी है तो जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होने के चांसेस हैं. थैंक यू.